हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के दंगल में हम पहुंच चुके हैं मनाली विधानसभा क्षेत्र के बनोगी गांव में। यहां पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर बात की जाए, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं आप, किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जा रहे हैं? दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को हमारी ओर से प्रणाम। पहली बार चुनाव में नहीं जा रहे, दूसरी बार चुनाव में जा रहे। जनता का भरपूर साथ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। आने वाले 12 तारीख को मनाली की जो प्रबुद्ध जनता है वो अपना मतदान करेगी और यहाँ से जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो मैं हूँ, यहाँ से मनाली की प्रबुद्ध जनता के आशीर्वाद और स्नेह से कामयाब होके निकलेंगे। क्या मेन मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं जो आप जनता के बीच रखने वाले हैं इस चुनावी दौर में? देखिए, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें। महंगाई, भ्रष्टाचार, झूठे वायदे जो दोनों सरकारों ने किए, ये मेन मुद्दे हमारे रहेंगे। हमारे क्षेत्र में जो क्षेत्रवासियों की अनदेखी हुई है, जो विकास हमारे क्षेत्रवासियों ने सोचा था कि होगा, वो विकास रुका पड़ा है, और क्षेत्रवासियों में भारी रोष इस सरकार के खिलाफ है। तो कांग्रेस इस बार जो गारंटियां लेकर आ रही है, आप क्योंकि एक पर्यटन नगरी है मनाली, मनाली इतनी फेमस है, तो आप इस वक्त क्या चाह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस 10 गारंटियां पूरे प्रदेशवासियों के लिए लेके आई है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया। कोई भी वर्ग इन गारंटियों से अछूता नहीं है, क्योंकि हम एक रूरल इकोनॉमी है। रूरल इकोनॉमी के लिए जो कांग्रेस की सोच रही है, उसको एवज में ही ये 10 गारंटी आई है। और मैं समझता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आएगी तो जो प्रदेशवासी हमारे हैं सभी को बहुत बहुत सुविधा मिलने वाली है। तो काफ़ी सारे उम्मीदवार जो है इस बार चुनावी रण में उतरे हुए हैं, क्या रणनीति आगे की रहेगी आपकी? देखिए, कांग्रेस का एक ही उम्मीदवार इस चुनाव में आया है। क्षेत्रवासियों ने मन बनाया है कि इस बार जो मौजूदा विधायक हैं वो 15 वर्ष से हमारे विधायक हैं, और 15 वर्ष में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ना के बराबर रही है। क्षेत्रवासियों ने ये मन जरूर बना लिया है कि इस बार यहाँ पे बदलाव होगा, और हम लोग क्षेत्रवासियों से सभी से जुड़े हुए हैं, सभी के दुख सुख में हम लोग शामिल हुए, और जो सोच हमने अपना जो फ्यूचर के लिए प्रदेश क्षेत्रवासियों के लिए रखी है, वो एक बहुत पॉजिटिव सोच के साथ हम मैदान में उतरे। जी, धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उनको ये हाईलाइट ज़रूर यहाँ पर करने वाले हैं, और चुनावी मैदान में ये जो उतरे हैं इनकी रणनीति बहुत ही साफ है। कैमरा पर्सन सनी के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू। हिमाचल की बात में इस वक्त हम कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के बनोगी गांव में मौजूद है। यहां पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। अगर हम बात करें कुल्लू विधानसभा की, यहां पर आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ऐसे कि भाई, हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ जब भी सरकार बनी थी। हमारे स्कूल नहीं बना, कुछ नहीं बना। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भेज नहीं पाएंगे भाई स्कूल। गांव में खेत का काम भी करना पड़ता है, फिर बच्चों को किसने पहचाना दूर। स्कूल ही नहीं बन रहा, कब से स्कूल मांग रहे, तो स्कूल नहीं बनता है। महंगाई देखो कितनी ज़्यादा हो गई है गाँव में। सिलेंडर कितने महंगे पड़ रहे हैं, डिपू का राशन भी महंगा पड़ रहा है। तो राशन की यहाँ पर आप बोल रहे कि महंगा है, महंगाई एक समस्या है। हाँ, बहुत मुश्किल है, सफेमी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिल रहा। महंगा महंगा महंगाई है बड़ी। स्कूल उड़िया से स्कूल
मेल में डेले वासर खोना आगे कुछ नहीं ना साफ सफाई कर से तेरे गांव में कुछ नहीं मिलता मतलब कुछ भी नहीं मिलता। और क्या ऐसे मुद्दे हैं गांव में, सड़क को लेकर क्या कोई मुद्दा है? सड़क भी नहीं चाहिए, सड़क रोड मतलब कि नहीं पूरा नहीं होंदी सब पूरी लागी थी नहीं हुई आज पूरी पैसे नहीं आ रहे। और अगर इस बनोगी गांव की मैं बात करूं तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो, क्योंकि किसान परिवारों से यहां पर लोग संबंध रखते हैं, बागवानी और किसानी ही यहां पर ज्यादातर लोग करते हैं, तो और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो यहां पर अहम इस बार रहने वाले हैं? नहीं कुछ नहीं है वैसे तो स्कूल और महंगाई का जो एक मुद्दा है यहाँ पर, जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि स्कूल के मुद्दे को यहाँ पर एक अहम मुद्दा यहाँ पर माना जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि महंगाई के मुद्दे को देखते हुए वो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर करने वाली है। कैमरा पर्सन सनी के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू।